जनसभी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्रेया शर्मा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते आम रास्ते पर फैल रहा है गंदा पानी। रामनवमी को लेकर 13 अप्रैल को होगा विशाल रैली का आयोजन। सुंदर माता के लिए पैदल रवाना हुए श्रद्धालु। मोदी के लिए मांगेंगे मन्नतें। लोगों को दी ईवीएम व वीवीपैट मशीन की जानकारी। महाराष्ट्र में हुआ कांग्रेस प्रत्याशी देवासी का स्वागत। अब समाचार विस्तार से। ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते आम रास्ते पर फैल रहा है गंदा पानी। रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती मुंडतरा सिरी के ग्राम पंचायत मालपुरा गांव में नाली की नियमित सफाई नहीं होने से घरों का गंदा पानी आम रास्ते पर फैल रहा है। ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते नाली की लंबे समय से सफाई नहीं होने से गंदा पानी आम रास्ते पर फैल रहा है। वार्ड पंच गलबाराम सरगरा ने बताया कि मालपुरा गांव में आम चौटे से हनुमान जी मंदिर तक की नाली लंबे समय से सफाई नहीं होने से नाली भी जमीन में दब गई है। ग्रामीणों ने इसको लेकर कई बार ग्राम पंचायत को अवगत करवाया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे राहगीरों व स्कूल के बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी की निकासी नहीं होने से मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। रामनवमी को लेकर 13 अप्रैल को होगा विशाल रैली का आयोजन। भीमाल से दीपक राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार श्री राम सेना के प्रदेश अध्यक्ष सैतान सिंह भाटी ने बताया कि आगामी रामनवमी को लेकर शहर में 13 अप्रैल को भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के समस्त हिंदू संगठन भाग लेंगे। रैली 13 अप्रैल शाम 4 बजे फाफरिया हनुमान जी मंदिर से रवाना होकर चुंगीनागा हाई सेकेंडरी स्कूल रामदेव चौक समेत मुख्य मार्गों से होते हुए कचेरी रोड स्कूल परिसर में समापन होगी। रैली का जगह जगह स्वागत भी किया जाएगा। इस दौरान समस्त हिंदू संगठन श्री राम सेना, हिंदू सेवा समिति, यूथ फाउंडेशन संस्था, हितकारी सेवा समिति, भारत विकास परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, जनित संघर्ष समिति व समस्त समाजों के संगठन रैली में भाग लेंगे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। शिक्षा अधिकारी फुलचंद ने
एक एक वोट का महत्व बताते हुए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। इस दौरान सहायक सचिव अजय पाल चौहान, पंचायत प्रसार अधिकारी भैरव सिंह, दलाराम व रेशाराम सुंदेसा सहित कई कार्मिक उपस्थित थे। इसी प्रकार रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निकटवर्ती सोमटा गांव में मतदाताओं को जागरूक किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत बुधवार को जसवंतपुरा पंचायत प्रसार अधिकारी मांगू खां और गांव विकास अधिकारी इशुपाल सिंह, लिपिक कैलाश, रामावत रोजगार, सहायक जीवाराम मेघवाल व बीएलओ कुकराज चौहान ने लोगों को ईवीएम व वीवीपैट सेंसिटाइजेशन मशीन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया, साथ ही मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मताधिकार का उपयोग करने के लिए शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मेट सवाराम, पुरुषोत्तम, प्रशांत पुरोहित आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार आउर से सुरेशगढ़ रोडला की रिपोर्ट के अनुसार मतदाताओं को जागरूक करने के कार्यक्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूती में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता, नारा लेखन का आयोजन प्रधानाचार्य दिनेश लड्डा के सानिध्य में किया गया। इस मौके भानु प्रताप सिंह, कमलेश कुमार, कृष्ण कुमार ने भूती में विधानसभा चुनाव में न्यूनतम मतदान होने की बात कहते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जाने वाले मतदान जागरूकता कार्यक्रम के बारे में अवगत करवाया व नागरिकों को मतदान हेतु प्रेरित किया गया। इसी प्रकार बलदारा गांव में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर दीप प्रज्वलित कर लोगों को अधिकाधिक मतदान करने को प्रेरित किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए नुक्कड़ नाटक, लोक कला के माध्यम व विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मतदान के प्रति जागरूकता पैदा कर रहे हैं। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी राजूराम चौधरी, पंचायत सहायक राजेंद्र जोगसर व ई मित्र केंद्र संचालक मंगलाराम राठौर से समस्त ग्रामवासी मौजूद। महाराष्ट्र में हुआ कांग्रेस प्रत्याशी देवासी का स्वागत। जालौर से कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार जालौर से लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी का महाराष्ट्र के पूना में प्रवासियों द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। समारोह कार्यक्रम के दौरान लोगों में काफी उत्साह देखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय प्रवासियों ने भाग लिया, साथ ही समर्थन का वादा किया। इस दौरान राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई, जालौर जिला अध्यक्ष डॉक्टर समरजीत सिंह सहित कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय जालौर।